नमस्कार, स्वागत है आपका भिवानी कुकिंग में। आज के इस वीडियो में हम मिलकर बनाएंगे आम का चुंदा, वो भी एक ट्रेडिशनल वे में, जो कि धूप में हम पकाएंगे। धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इस आम के चुंदे को। ये एक तरह से आम का मुरब्बा या आम की मीठी चटनी भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा जितना भी हम इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं जो कि स्वाद के साथ साथ इसको प्रिजर्व भी करेंगे। चलो मिलकर बनाते हैं एक सादे और सिंपल अंदाज में बहुत ही स्वादिष्ट आम का मीठा चुंदा। आम का चुंदा बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कच्ची आम भी जो हम लेंगे आम के चुंदे के लिए, वो थोड़ी मोटी लेंगे, बड़े साइज़ की लेंगे, ताकि जो आम का पल्प है, गुद्दा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकले। और दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि जिससे हम कच्ची आम्बी को कद्दूकस करेंगे, हमने छोटे वाले छेदों से आम्बी को कसना नहीं है, हमने जो बड़े छेद वाला है उससे, ये देखो ये साइज़, इससे हम कसेंगे, ताकि जो कच्ची आम्बी के बढ़िया बड़े बड़े लच्छे निकलेंगे और वो खाने में भी अच्छे लगेंगे और साथ में वो घुलेंगे भी नहीं। हम कच्ची आम्बी को छील लेंगे, अगर पीलर से छीलेंगे तो बहुत बढ़िया फाइन छिलेगा, क्योंकि चक्कू से कहीं मोटा कहीं पतला छिलका निकलता है। इस तरह हम पीलर की हेल्प से सारी कच्ची आम्बी को पील ऑफ कर लेंगे, छील लेंगे। ये देखो बढ़िया हमारी आम्बी छील गई है सारी। अब हम इसको मोटे छेद वाले से कद्दूकस करेंगे। ये देखो कितने मोटे मोटे जो हमारे हैं आम के लच्छे निकल रहे हैं कच्चे आम्बी के। ये हमने सारी आम्बी को, चार आम्बी ली थी 1 किलो, सबको हमने कद्दूकस कर लिया। इसके बाद इसको साफ हाथों से हम किसी भी बॉल में, बर्तन में डालेंगे, कांच का लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और उसके बाद हम इसमें हमने हल्दी डाली है, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट डाला है। ये दो इंग्रेडिएंट पहले डालने हैं, उसके बाद हमने शुगर पाउडर डाला है। चीनी को मिक्सी में पीस लो, नहीं तो कोस्टर शुगर है वो डाल लो। हम 1 किलो आम के चुंदे में 1 किलो ही शुगर डालेंगे, शुगर पाउडर डालेंगे। धीरे धीरे डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे, इस तरह मेल्ट हो जाएगी तो बाद में और डालेंगे। इस तरह हमने सारे शुगर पाउडर को डाल के अच्छे से इसको चलाया, ये वाटरिंग हो गया, और साफ सूती कपड़े से हमने इसको बांधना है। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने इसको धूप में रखना है। ये जो चुंदा है आम का, ये हमारा एक ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, इसको हम 6 से 7 दिन धूप में रखेंगे, अच्छी बढ़िया धूप। अगर बहुत बढ़िया होती है तो 6 या 7 दिन में ये तैयार हो जाता है, और शाम के समय हम इसको हटा भी लिया करेंगे। ये देखो अब हम कपड़ा खोल कर देखते हैं, बीच बीच में रोज़ हमने कपड़ा हटाकर इसको चलाया था। ये जो फाइनल 7 डेज के बाद है, इस तरह का कंसिस्टेंसी आ जाएगी। इसको चम्मच से हिला के हम देखते हैं, खूब बढ़िया गाढ़ापन आ जाएगा। सारी जो वाटरिंग हमारा सॉल्यूशन था, सारा जो चाशनी थी पतली पतली, सब धूप से वैपोरेट हो गई है। और ऐसे उंगली से हम देखेंगे चिपका के, अगर दोनों उंगलियाँ चिपके एक तार बने, इसका मतलब हमारा जो है चाशनी पक गई है और आम भी गल गया है। इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, काली मिर्च दरदरी पिसी हुई डाली है, और ये दालचीनी पाउडर डाला है। बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा ये दो इंग्रेडिएंट डालने से। दालचीनी की बहुत ही अच्छी फ्लेवर और टेस्ट आएगा जब हम इसको खाएंगे। ये हमारा आम का चुंदा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम किसी साफ़ बर्तन में, जिसके हमने धूप लगाई है, डाल देंगे और स्टोर करके रख लेंगे आम के चुंदे को। बहुत ही बढ़िया आम का चुंदा स्वादिष्ट बनकर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना। इसको हम पूड़ी के साथ, परौंठे के साथ, या किसी भी तरह हम लंच या डिनर में इसको हम ले सकते हैं, और बहुत ही डाइजेस्टिव भी है, साथ में बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करना, आपका आम का चुंदा मेरे आम के चुंदे से भी बहुत बढ़िया बनेगा। बढ़िया बने तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी करना, और साथ ही मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना। धन्यवाद।